लोगों को लुभाओ, वोट लो और भूल जाओ। तो घोषणा पत्र में पुरानी बातें शामिल नहीं होती, कुछ नई बातें करते, लोगों की जरूरतें और बढ़ जो होती उनका ध्यान रखते। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 6,000 का वादा नहीं किया, तो आप मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए घोषणा करेंगे। और एक मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ घोषणाएं कर रहे थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह उठे और वित्त मंत्री के तौर पे कहा कि घोषणाओं से पहले एक बार हिसाब लगा लेना चाहिए कि ये खर्चा कितना बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा के जो चुनाव है 5 अक्टूबर को वो चुनाव जो है हो जाएंगे। और दोस्तों, उससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने लुभावने वादे लेकर, उनका एक बड़ा पिटारा लेकर अपने जो वोटर्स हैं उनके सामने आ रही हैं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने जो है अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी किया, और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एक लुभावना जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। इन दोनों घोषणा पत्रों में क्या फर्क है और इनमें से किए गए कितने वादे लोगों के हक में है या लोगों के साथ ये इंसाफ कर पाएंगे, इन सब से चर्चा करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के एक दिग्गज पत्रकार मौजूद हैं, बलवंत तक्षक जी। तक्षक जी से बात करते हैं कि ये दोनों जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं इन दोनों में क्या फर्क है और ये दोनों जो घोषणा पत्र है ये कितना लोगों के हक में जाएंगे। तक्षक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया राजेंद्र जी। तक्षक जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जो वोटर हैं उनके साथ बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं, बड़े सपने दिखाते हैं उनको, और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। और चुनावी घोषणा पत्र जारी करते ही जो अपोजिशन की पार्टियां थी उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपना चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया। इन दोनों घोषणा पत्रों को आप किस तरह से देखते हैं, कितना के जनता के फेवर में और कितने के सार्थक है ये? देखिए, अगर घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट हो जाए जी तो लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि घोषणा पत्र में जो बातें शामिल की जाती हैं वो चुनाव के बाद पार्टियां भूल जाती। अगर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया तो उस पर भाजपा की प्रतिक्रिया ये थी कि उधर पड़ोसी स्टेट में हिमाचल में कांग्रेस ने बहुत सारी गारंटियां दी थी और आर्थिक तौर पर हिमाचल की स्थिति ऐसी खराब हो गई है कि पेंशन देने की स्थिति में नहीं है जी, तो कैसे इस गारंटियों को पूरा करेंगे हरियाणा में वो जी। लेकिन अगले दिन भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया वो कांग्रेस से भी बढ़ के जारी किया। ऑलमोस्ट एक तरह से एक जैसी घोषणाएं थी, जैसे कांग्रेस ने महिलाओं को 2,000 रुपये महीने देने की घोषणा की जी, हिमाचल में 1,500 रुपये महीने देने की घोषणा की, हरियाणा में कांग्रेस ने उसको राशि को बढ़ा के 2,000 किया। और एक दिन बाद भाजपा अगर घोषणा पत्र जारी कर रही है अपना, उसमें उन्होंने 2,100 रुपये महीना कर दिया, यानी कि कांग्रेस से 100 रुपये फालतू। दूसरी, उसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, लेकिन एक बात उन्होंने कहा, हम स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे। एक जो कांग्रेस ने हुड्डा साहब की सरकार में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए गए थे गरीबों को जी, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उस स्कीम को बंद कर दिया। और अब जब चुनाव आने वाले थे उस समय नायब सिंह सैनी साहब जगह जगह घूम के और 100 वर्ग गज के प्लॉट के पट्टे बांट रहे थे। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने एक और बात की कि हम सत्ता में आए तो 3.5 लाख रुपए की लागत का दो कमरे का गरीबों को देंगे। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी का तो ये वादा था कि 2022 में सब सर पर छत होगी, तो कितने लोगों के अगर छत आई होती है मेरा आने वाले, हाँ, मेरा तो सवाल भी होने वाला था आपसे, ये पॉइंट जोड़ने की जरूरत नहीं होती भाजपा को जी जी जी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को लुभाओ, वोट लो और भूल जाओ, अगर ये पॉलिसी है पार्टियों की तो देखिये 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणाएं की है, अगर उनके जहन में ये सब बातें लोगों का भला करने की होती तो घोषणा पत्र में पुरानी बातें शामिल नहीं होती, कुछ नई बातें करते, लोगों की जरूरतें और बढ़ जो होती उनका ध्यान रखते। अब आप भी वही घोषणा कर रहे हो जो कांग्रेस घोषणा कर रही है, तो कांग्रेस तो सत्ता में आज है नहीं, उसको तो मतदाताओं को लुभाना है, ऐसे ऐसे वादे करने ताकि मतदाताओं को वोट दिलाए। 10 साल से सत्ता में थे और आप भी कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक ही घोषणाएं कर रहे हैं, तो आपने 10 साल में क्या किया?
बिल्कुल ठीक है, बड़ा सवाल है बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। और अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं कर सकती है तो आपके पास ऐसी क्या व्यवस्था है कि आप लागू कर देंगे? बिल्कुल ठीक है, हाँ बात तो बिल्कुल दोनों, हरियाणा तो पहले ही 3.75 लाख करोड़ 4.25 लाख करोड़ आसपास जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कर्ज लो और घी पियो, ये पॉलिसी तो ठीक नहीं ना। बिल्कुल ठीक है जी। पिछले दिनों किसान जो आंदोलन था वो बहुत जोरों पे रहा भारतीय जनता पार्टी के राज के दौरान, और अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में MSP की बात की जी। तो क्या आपको लगता है कि ये चीजें वाजिब है, क्या ये चीजें पॉसिबल है आने वाले टाइम में? फिर सवाल मेरा घूम फिर के वहीं पे है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कांग्रेस ने अपनी गारंटी में शामिल किया कि हम MSP देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है जी, और उसमें 24 फसलों को MSP देने की फैसला लिया जा चुका है जी जी जी। और बहुत सारी ऐसी फसलें जो हरियाणा में उगाई भी नहीं जाती, 24 फसलों पर MSP का कैबिनेट फैसला हो चुका है, और वो फैसला कायदे से लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट का कोई फैसला जो है आमतौर पर ये पेंडिंग नहीं होता है। बिल्कुल ठीक, आपके कैबिनेट की मिनट्स लिखी जाती है, उसके बाद फैसला लागू हो जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में 24 फसलों पर MSP देने का फैसला कर लिया, तो अब घोषणा पत्र में उसको शामिल करने की क्या जरूरत थी? हरियाणा सरकार तो दे चुकी है। लेकिन ये काम इतना ही आसान होता ना राजेंद्र जी? जी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को 1 साल तक दिल्ली के बोर्डर पर बैठने का मौका क्यों देते? बिल्कुल, मतलब इसमें तो ऐसा लगता है कि मोदी साहब करना नहीं चाहते और हरियाणा की भाजपा सरकार उस फैसले को लागू करना चाहती है, किसानों की मांग मानना चाहती है। ये सब्जेक्ट जो है केंद्र सरकार का है, MSP पे कानून की गारंटी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार आप फैसला कर लो, आप फैसला कर लिया चुनाव से थोड़े दिन पहले, अगले सत्ता में आप नहीं आती है भाजपा तो क्या कहेगी कि हमने फैसला किया था, हमने लागू कर दिया था और कांग्रेस की सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है इसको। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो खेल चलना है, अगर वही मकसद है तो किसानों को तो कुछ नहीं मिला। कांग्रेस इसको कैसे लागू करेगी, कैसे इतने पैसे की व्यवस्था करेगी कि सारी फसलें MSP पे खरीद जा सकें, ये सप्ताह में आने के बाद ये क्या फैसला लेता है, क्या रणनीति रहती है और सरकार कैसे उस मुद्दे पर आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात। जो जो वादे किए, मैं एक एक वादे की बात आपके साथ करता हूँ। अभी उन्होंने सामाजिक सुरक्षा की बात की जी, बुढ़ापा पेंशन की जो उन्होंने बात की वो 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करने की बात की, विकलांगता की जो पेंशन है उसको 6,000 करने की बात की, विधवाओं की पेंशन को भी उन्होंने बढ़ाने की बात की। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रदेश है वो ऑलरेडी 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में है, और आप 10 साल बाद सत्ता में आने की बात करते हो, तो कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें कि ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला था जी, जननायक जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया। बिल्कुल ठीक, 4.5 साल JJP को भाजपा ने अपने साथ रखा और चुनाव से 6 महीने पहले मक्खी की तरह उनको सत्ता से दूर कर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जननायक जनता पार्टी का क्या वादा था कि हम 5100 रुपए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन देंगे। बिल्कुल ठीक है, वो सरकार में शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बढ़ाया लेकिन 5100 रुपया बुजुर्गों की पेंशन नहीं की, जबकि वो डिप्टी CM थे। JJP डिमांड करती रही जी जी, फिर JJP से सवाल पूछा गया दुष्यंत चौटाला जी से कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कहा 5100 रुपए देंगे पेंशन बुजुर्गों को, क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा भाई हम सत्ता में शामिल जरूर हैं लेकिन हमारे पास 46 सीटें नहीं, अगर हमारी सरकार होती तो हम 5100 रुपए की पेंशन लागू कर देते। भारत कांग्रेस ने उस पेंशन को अब बढ़ा के अब इस समय 3100 रुपए पेंशन मिलती है जी, भारतीय जनता पार्टी ने 5100 के बजाय 3100 पेंशन दी और कांग्रेस ने कहा हम 6000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन देंगे जी। तो आप मतदाताओं की अगर तादाद को देखेंगे तो बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को और दिव्यांगों को, इन सबको मिलाते हो तो एक बड़ी तादाद वोटर की हो जाती है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 6000 का वादा नहीं किया, तो आप मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए घोषणा करेंगे। और एक मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ घोषणाएं कर रहे थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह उठे और वित्त मंत्री के तौर पे कहा कि घोषणाओं से पहले एक बार हिसाब लगा लेना चाहिए कि ये खर्चा कितना बैठेगा, स्टेट पर कितना बोझ पड़ेगा। तो हुड्डा साहब का जवाब था कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया है कि आप ये सब व्यवस्था कीजिए,
मुख्यमंत्री घोषणा करेगा, इंप्लीमेंट करना वित्त मंत्री का काम है। बिल्कुल ठीक, आप देखिए कि कैसी व्यवस्था हो सकती है। तो आज तो वादा है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आए चाहे कांग्रेस आए, उस घोषणा पत्र को भूले ना, मतदाताओं के साथ छल ना किया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि आप घोषणा वही कीजिए जो लागू हो सकती हो, लेकिन वोट जो है ना हर कीमत पर चाहिए। तो घोषणाएं होती हैं, बात है सत्ता की, सत्ता में आना है, जैसे मर्जी लोगों को बेतको बनाना है और सत्ता में आना है जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले मैनिफेस्टो में भी बात की कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, जो भी बड़े शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी, और इस बार फिर उन्होंने कहा कि 10 बड़े शहरों को हम मतलब बिल्कुल आधुनिक शहर बनाएंगे। तो फिर बात मैं घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि ये चीजें कितनी पॉसिबल हैं। और उसके बाद 200,000 नौकरियों की बात उन्होंने की, इन्होंने कहा कि औद्योगिक उनमें जो 10 बड़े शहर होंगे औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, उसमें 50,000 लोगों को नौकरी भी देंगे। तो ये सब चीजें जब वो मैनिफेस्टो बनता है, क्या धरातल पे सोचा नहीं जाता उन चीजों के बारे में? नहीं नहीं, देखिए हुड्डा साहब ने ये कहा, घोषणा पत्र तो कल आया है ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने दोनों पार्टियों की बातों को इन्वॉल्व किया, दोनों पर आता हूं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद पहले साल में 1,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, और हरियाणा में 2,00,000 पद कम से कम सरकारी विभागों में खाली है जी। नायब सिंह सैनी साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा हम चुनाव में जाने से पहले 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, यानी कि वो 50 से 25 पे आ गए, और 50,000 जो चुनाव में जाने से पहले देने की बातें थी वो नहीं हुई। दूसरा, जो रोजगार कौशल निगम है उसके जरिए जो लोगों को नौकरी दी, वो एक तो तनख्वाह कम है, एक वो नौकरी पक्की नहीं है, आप कभी भी उनको नौकरी से बाहर कर सकते हो। और उन्होंने कहा हम एक फैसला कर रहे हैं कि उनकी नौकरियों पे जितने लोग लगे हुए हैं उनकी नौकरी पे आंच नहीं आएगी। तो आप कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं किसी की नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसको विधानसभा में बिल पास करना होता है। अब बिल नहीं आता तो 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक, उस फैसले की कोई वैल्यू नहीं रहती जब तक कि आप उसको बिल पास करके उसको कानून का रूप नहीं देते। तो अब भारतीय जनता पार्टी कह रही हम भी नौकरी देंगे, भाई तुम तो 10 साल से सत्ता में थे, हाँ। अगर इतने पद खाली थे बिल्कुल ठीक है, तो किसने रोक रखा था? अब उसका भी उनके पास जवाब है, एक भर्ती रोको गैंग है, कांग्रेस की तरफ वो इशारा करते हैं। अच्छा ही। कि भर्ती रोको गैंग है, वो भर्ती नहीं होने दे रहा, तो यानी कि जो सत्ता है उससे मजबूत तो फिर अपोजिशन वाले एडवोकेट जनरल दफ्तर है, सरकारी वकीलों की फौज है, आप अदालत में अगर नौकरियों के लिए पैरवी नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा एडवोकेट जनरल दफ्तर का? बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस ने तो कहा हम पहले साल 2,00,000 देंगे घोषणा पत्र, पहले साल 1,00,000 नौकरी देंगे और 2,00,000 पद खाली हैं, लेकिन अब घोषणा पत्र में उन्होंने कहा हम 2,00,000 नौकरी देंगे। 2,00,000 नौकरी का मतलब है 5 साल में हम 2,00,000 खाली पदों को भर देंगे। अब मैं तो समझता हूँ कांग्रेस सरकार आएगी तो इसी प्रक्रिया को सबसे पहले शुरू करेंगे, ताकि लोगों से जो वादा किया है वो लगे उनको कि हम ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब भाजपा के पास भी अगर सत्ता में नहीं आती तो एक ऑप्शन है, उन्होंने आपकी भर्ती रोकी, आप इनकी भर्ती रुकवा के दिखा दो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जातिगत जो गणना की बात करते हैं या क्रीमी लेयर को बढ़ाने की बात करते हैं, वो भी विपक्ष बड़ा मुद्दा उठाता रहा है ये हमेशा जी, जी। तो इस बार कांग्रेस ने तो वो वादे किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहती है उस वादे? नहीं नहीं, वो आपको अगर आप पीछे जाएंगे तो क्रीमी लेयर की जो सालाना सीमा रेखा थी जी, वो उन्होंने घटा के 6,00,000 कर दी जी। फिर पिछले वर्ग और दूसरे दबाव पड़ा सरकार पे तो उसको 8,00,000 कर दी जी। यानी कि आप पहले घटा रहे हो फिर वहां बराबर लेके आ रहे हो, तो कांग्रेस ने पहले ही कहा हम 10,00,000 करें। बिल्कुल ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी कांग्रेस भाजपा आगे पीछे होती रही, कांग्रेस का हम इतना करेंगे। देखने वाली बात तो यही है कि सत्ता में आने के बाद कौन से वादे पर किस तरह से अमल किया जाता है, लेकिन इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि 10,00,000 क्रीमी लेयर करने का मतलब है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जातिगत गणना के, जातिगत गणना जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस तो उसके समर्थन में, बिल्कुल, वो तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जातिगत गणना के खिलाफ रही है। आरएसएस ने जब ये कहा है कि जाति गणना होनी चाहिए जी, उसके बाद भाजपा के सुर थोड़े से नरम पड़े हैं, वरना वो जाति गणना के पक्ष में कभी उन्होंने बयान नहीं दिया ना उसका समर्थन किया।
भाजपा ने एक और वादा किया है कि जितनी भी ग्रामीण स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां हैं सबको स्कूटी दी जाएगी जी। तो इसी तरह हुड्डा सरकार ने स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल देने की बात की थी और कहीं ना कहीं वो वादे पूरे भी हुए थे उस समय जी। तो ये कैसा लगता है कि पिछले 10 साल में तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज ये स्कूटर देने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की बात लगती है आपको ये? मैं तो देखो वही कह रहा हूँ कि हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी। तो मत आपके पेटी में तभी गिरेगा किसी मतदाता का जब उनको लगेगा कि सरकार हमें कोई राहत देने जा रही है। आज महंगाई इतनी है कि आप स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अगर स्कूटी की बात करेंगे तो ये निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगी ये बात। और मेरे को ध्यान है अच्छे से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ये सबसे पहले काम शुरू किया था कि स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल दें। लेकिन आपको शायद ध्यान होगा कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने फ्री बसें चलाई हुई जी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लड़कियां पढ़ रही हैं जी जी, जो कॉलेज में जा रही हैं, जिनके पास शहर आने के लिए कोई सुविधा नहीं है, उन्होंने बहुत सारी बसें फ्री में लड़कियों को पढ़ाने के लिए गांव से कॉलेज लेके आती हैं शहर में और फिर वापस उनको छोड़ती हैं। और तीर्थ यात्रा का जो सरकार खर्चे हुए प्रोग्राम करी, ऐसे कुछ विधायकों ने भी प्रोग्राम शुरू किए हुए थे। कुछ तो ऐसे भी विधायक थे जो चक्की गांव गांव में ले जाते ताकि आटा पिसवाने के लिए कहीं ना जाना पड़े। मतदाता को अपनी तरफ रिझाने के लिए, खींचने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब इस समय मतदाताओं को, क्योंकि चुनाव में थोड़ा समय रह गया है बिल्कुल, और मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी सरकार आए जो अपना घोषणा पत्र हो सत्ता में आने के बाद उसको देखे और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि त्रस्त जो लोग हैं, गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं जी, उनको थोड़ी राहत मिल सके। तक्षक जी, दोनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए, क्या फर्क महसूस करते हैं? मतलब कौन सा जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है आपको? राजेंद्र जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव घोषणा पत्र तो आमतौर पर दोनों पार्टियों का मिला जुला है, लेकिन उन्होंने 7 गारंटियां दी है, इन्होंने 20 संकल्प दोहराए हैं जी। कांग्रेस का अभी विस्तारित घोषणा पत्र शायद हो सकता है चंडीगढ़ में जारी हो, उसमें और बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने और घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय मौजूद थे, तो लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बताने के बजाय उन्होंने 7 मुख्य बिंदु बताए कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी के लिए, गरीब तबके के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, जो कोई भी पार्टी हो वो घोषणाएं करे तो सत्ता में आने के बाद अगर वो इम्प्लीमेंट करती है, लोगों को राहत देती है, तो लोग इस बात को ध्यान रखते हैं। और अगर खाली लिफाफेबाजी है तो फिर उसको खामियाजे भुगतना पड़ता है। एक सवाल इस सारी चर्चा के बाद मेरे जहन में आता है कि जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी कि ये हिमाचल में तो जो है अपनी जो स्कीम्स इन्होंने घोषणा की थी वो कोई भी लागू नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ओपीएस की बात करें या बाकी, क्योंकि हिमाचल का वो कहते हैं बहुत बुरा हाल है, तो यहां कैसे कर पाएंगे? मेरा सवाल भी वही है कि एक तरफ ये स्टेट जो हरियाणा है ये 4.25 लाख करोड़ की बात करते हैं हम, इतने कर्जे में है, तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा कि कैसे कांग्रेस कर पाएगी ये सब कुछ? देखिए, हिमाचल प्रदेश ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लागू कर चुके हैं और ये उनका चुनावी वादा भी था कि हम सत्ता में आए तो ओपीएस लागू करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कल जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हिमाचल का हाल देख लो, हिमाचल आर्थिक रूप से बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, टाइम पे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहे थे, पेंशन की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए स्कीम की बात कर रहे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है उसको जाहिर है कि कांग्रेस सरकार आरोप लगाना ही चाहिए, वो तारीफ तो नहीं कर सकते कि उन्होंने अच्छा किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ में सुक्कू साहब के बयान को भी आप देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार हमारे 23,000 करोड़ रुपए दबा के बैठा है, हम बार बार मांग कर रहे हैं, वो हमारे पैसे रिलीज नहीं कर रहे। उन्होंने कहा नई पेंशन स्कीम के तहत 9300 करोड़ रुपया सेंटर के पास है, हम पैसा वापस मांग रहे हैं पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए, लेकिन हमारे 9300 करोड़ रुपए नहीं लौटा रहे। तीसरी बात, उन्होंने कहा एक अदालत के फैसले के बावजूद 5400 करोड़ रुपए हिमाचल को सेंटर से मिलने हैं, वो भी नहीं दे रहे। तो मैं ये सोचता हूँ कि केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
तो केंद्र की सरकार का नजरिया तमाम स्टेट की सरकारों के साथ एक जैसा होना चाहिए। और अगर सुक्कू साहब के ये आरोप ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के साथ न्याय नहीं कर रहा, बल्कि भेदभाव कर रहा है। अगर सेंटर से पैसा नहीं आएगा तो राज्य की हालत तो हम समझ सकते हैं कि बिना केंद्र की मदद के मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। और सुक्कू साहब ने कहा है कि हम राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने कुछ फैसले भी किए जो लोगों पर बोझ डालने वाले थे, लेकिन कहते हम इसको आत्मनिर्भर स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो हमारा फंसा हुआ पैसा है अगर वो हमें वापस दे दे तो। अगर हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होता है और केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर तो हरियाणा में भी यही दिक्कतें आएंगी कि जो फंड्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे, तो कांग्रेस के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं आने वाले टाइम में। निश्चित तौर पर देखिए, जब दूसरी पार्टी की सरकार केंद्र में होगी और यहाँ कांग्रेस की सरकार आती है तो दिक्कतें तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री उन चुनौतियों से कैसे निपटता है। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, चुनावी चर्चा जो है वो आगे भी अगले आने वाले दिनों में ऐसी चलती रहेगी, लेकिन देखते हैं कि जो वादे किए हैं इन राजनीतिक पार्टियों ने कितने वादे पूरे करती हैं। आप हमारी चुनावी चर्चा का और एपिसोड देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव है, और आपके हर सुझाव का हम स्वागत करते हैं, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। बलवंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र जी, शुक्रिया।